हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज मैं आपको इस मिठाई के डिब्बे के ढक्कन से बहुत ही सुंदर एक क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। ये यूजुअली हमारे पास बच जाते हैं, लाइक दिवाली थी अभी तो बहुत सारे स्वीट बॉक्सेस आए होंगे, तो इस तरह के कार्डबोर्ड के, हार्ड कार्डबोर्ड के बॉक्सेज आपके पास बच गए होंगे। तो मैं उसकी लिड यूज़ कर रही हूँ और सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर वाइट पेंट। ये एक्रेलिक पेंट है जो आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से ईजिली मिल जाता है। तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे कवर कर देती हूँ वाइट कलर के एक बेस से। अब मैंने ये जो पिक ली है ये मैंने पिंटरेस्ट से ली है और ये फेस मैं इस बॉक्स पे ड्रॉ करने वाली हूँ। तो इसे आप ड्रॉ कर लें, पेंसिल्स की हेल्प से आप पूरी आउटलाइनिंग इसकी बना लें। और इस तरह की कोई भी आप पिक्चर ले सकते हैं, लाइक अगर आप इंडियन फोक आर्ट लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं। तो इस तरह की आप ड्राइंग्स निकाल सकते हैं गूगल या फिर पिंटरेस्ट से और इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं इसमें कलरिंग स्टार्ट कर देती हूँ। कलरिंग के लिए भी मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी। तो देखिए ये एक्रेलिक पेंट है हमारे पास, यहाँ पर मैं पर्ल एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल पेंट यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने येलो शेड दिया है जो मैंने पर्ल एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और इसको मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने वाली हूँ। और ये ऑरेंज की शेड मैंने दिया ताकि थोड़ा सा इसमें जो मिक्सचर आ जाए येलो एंड ऑरेंज का, इसे मैं थोड़ा डार्क करूँगी। और इस ये हमारा बेस रेडी हो जाएगा और हम जो हमारे पास फिगर है हम उसमें सिंपल कलरिंग करके इसे बहुत ही सुंदर एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए डार्क ऑरेंज कलर मैंने लिया है और इसके बाद मैं इस पर येलो कलर करूँगी ताकि दोनों का अच्छा सा एक हमारे पास ब्लेंड आ जाए थोड़ा सा, देखिए इस तरह का। और यहाँ पर थोड़ा येलो मिक्स कर देती हूँ कॉर्नर्स पर ताकि लाइट और डार्क का हल्का हल्का शेड आ जाए। तो चलिए अंदर की डिटेलिंग पे कलरिंग करेंगे। यहाँ पर मैं येलो एंड ऑरेंज ही थीम रखने वाली हूँ जैसा कि हमारे पिक्चर में है। तो इस तरह की पिक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं, इंडियन फोक आर्ट। यहाँ पर मैंने जो टाइटल लिखा था वो इंडियन फोक आर्ट था जिसमें मुझे ये बहुत सुंदर लगी और इस पर मैं पूरी पेंटिंग करूँगी। और आप इसे एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैं फेस पे कलरिंग कर रही हूँ या आप इसे वॉल पे लगा सकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर एक वॉल डेकोरेशन का पीस बनके रेडी हो जाएगा आपके पास। तो जिस तरह से हमारे पास काफ़ी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं उनकी आप लिड का यूज़ कर सकते हैं, पूरे पूरे बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और थोड़ी सी कलरिंग और थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड करके आप उन्हें एक बहुत ही सुंदर होम डेकोर के पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये हाफ कलरिंग मेरी हो चुकी है, यहाँ पर मैंने फेसिंग में जो फेस में शेडिंग की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और थोड़ा सा येलो और ऑरेंज का मैंने शेड दिया है। ये मेरी कलरिंग पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर ली है, सिंपल कलरिंग थी, फेस में थोड़ी सी शेडिंग थी, बाकी हमने पूरा सिंपल कलरिंग की है। इसमें आप देख सकते हैं कॉर्नर पे काफ़ी स्पेस बचा हुआ था, वहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बनाया है, बहुत ही सिंपल बॉर्डर है, कोई मुश्किल ड्राइंग नहीं थी इसमें। और अब मैं जो इसके कॉर्नर्स हैं उन पे मैं लेस लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो गोल्ड चेन या फिर बॉल चेन्स आती हैं, स्टोन्स आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, पर मैं इस तरह की कलरफुल लेस लगा रही हूँ जो कि गोटा पट्टी की लेसेस होती हैं ताकि इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अगर आपके पास कोई लेस नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं कलरिंग करके, बट यहाँ पर थोड़ा ट्रेडिशनल और लुक में देना चाहती थी तो इसीलिए थोड़ा फोक टाइप का लुक, तो मैं इसीलिए इस तरह की लेस का यूज़ कर रही हूँ। देखिए आपको चारों साइड्स लगानी है और एक मैं बॉर्डर पे भी लगा रही हूँ, जो साइड पे मैंने बॉर्डर बनाया था उस पर भी मैंने ये लेस लगा दी है। और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और इसको आप एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेबल पे आप इसे रख सकते हैं या वॉल पे लगा सकते हैं इसे, और एक बहुत ही सुंदर आपका डेकोर आइटम रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा ताकि मैं और भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।